हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स पर एक सेशन। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वेरिएशन, अर्थात कि ये वेरिएशंस क्या हैं, जो टर्म हमें जेनेटिक्स में सुनने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम कहें जो हमारा क्वेश्चन है, वो है वेरिएशंस क्या है। तो अगर हम वेरिएशन को डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहें तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशंस आर स्मॉल जेनेटिक डिफरेंस व्हिच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्मॉल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो कि हमें एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी वेरिएशन की डेफिनेशन। अब वेरिएशन होता किस कारण से है, हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो वेरिएशन जो है वो होता है जब जेनेटिक मटेरियल जो है ना, जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना हमारा डीएनए, उसमें एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। अभी किस समय मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेट सेल्स के थ्रू होता है। और जैसे कि हमें पता है कि जो गैमेट सेल्स है वो बनती हैं मियोसिस से। किससे बनती हैं, मियोसिस सेल डिवीजन में हमारी गैमेट सेल्स बनती हैं। तो मियोसिस जो है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है। तो इसमें जो मियोसिस फर्स्ट जब होता है उसका जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज जो फर्स्ट है उसको फाइव फेजेस में हमने डिवाइड किया है, लाइक लिपोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें जो एक पॉइंट होता है पैकीटीन, पॉइंट नहीं सब फेज जो है वो है पैकीटीन। पैकेटिंग जो है ये एक सब फेज होता है प्रोफेज का, थर्ड फेज होता है प्रोफेज का। तो इस दौरान क्या होता है, जो कि इसको पैन का साइज थोड़ा बढ़ा रहते हैं, जो कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये दूसरा जो है ये मैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नॉन, अगर हम बात करें तो ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये कैसे हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। यानी ठीक है, तो अब क्या होता है, इस पैकेटिंग स्टेज के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है इन दोनों के बीच में, उसका एक्सचेंज होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से या इस घटना की वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। किसमें, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जैसे कि ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, मैं आपको बताऊं, यहाँ बना देती हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है क्योंकि यहां पर क्या हुआ है,
इसका कुछ पोर्शन इसमें और इसका कुछ पोर्शन इसमें ट्रांसफर हो गया, यानी कि एक्सचेंज हो गए हैं जेनेटिक्स जो थ्रेड्स हैं। ओके, तो इस प्रोसेस की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से होता है मियोसिस का जो पूरा प्रोसेस है या मियोसिस कैसे होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन पर, विच इज वेरिएशन आर नेसेसरी एज दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। एग्जैक्टली, जो वेरिएशन है यानी कि जो वेराइटीज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल जिसकी वजह से हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे वेरिएशंस क्या है, वो छोटा सा चेंज है या डिफरेंस है उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। दूसरा कि वेरिएशंस होते कब है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होते हैं जब जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। कब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, बेसिकली जब गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे वेरिएशन को समझने के लिए। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे।